तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं SBI का इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट करना है। अगर आपने पासवर्ड अगर खो गया है, यूजर आईडी खो गया है, या फिर से न्यू यूजर आईडी को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो काफी ज्यादा इजी प्रोसेस है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर से आपको आना है गूगल क्रोम में, और यहाँ पे आप अपने फोन से भी कर सकते हो। SBI इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिंग का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आएगा कंटिन्यू टू लॉगिंग, सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एक तो मिलेगा आपका न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन या एक्टिव है, या फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड। अगर आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड को खो चुके हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अगर आप पहली बार न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हेयर पे आपको क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने किस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन ऑफ यूजर नेम। अगर पहले से ही आपके पास यूजर आईडी है तो आप आसानी के साथ यहाँ से सिलेक्ट करके और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और न्यू यूजर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो सिंपली सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। सिंपली सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है जो भी आपके पासबुक के अंदर है। CIF नंबर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे आपको अपना ब्रांच कोड डालना है, यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी अपने बैंक अकाउंट के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए हैं उस नंबर को यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फैसिलिटी रिक्वायर्ड यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे आपको फुल ट्रांजेक्शन राइट रखना है ताकि आप कभी भी किसी को भी पेमेंट कर या फिर जितने भी फीचर्स है इंटरनेट बैंकिंग का वो सारा आपको अच्छे तरीके से मिल पाए। तो फुल ट्रांजेक्शन राइट रखेंगे, यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको सिंपली सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड आपको यहाँ पे शो करने स्टार्ट कर देगा डमी। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। डालने के बाद सिंपली दोस्तों करना क्या है, कैप्चा को फिल करेंगे, इसके बाद से आपको यहाँ पे अपना लॉगिन के ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालना है। डालने के बाद सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। और फ्रेंड आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे माई अकाउंट एंड प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पे आना है। और आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक प्रोफाइल का ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा चेंज पासवर्ड, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा प्रोफाइल पासवर्ड, ये तो आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया होगा। तो सिंपली यहाँ पे हाउ टू सेट या रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक हियर पे आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, डालने के बाद सिंपली सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली आपको जो भी लॉगिन आईडी आपको मिला है, लॉगिन पासवर्ड जो मिला था डमी, उसको यहाँ पे डालेंगे। न्यू पासवर्ड को यहाँ पे डालना है और रीटाइप पासवर्ड को डालकर यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद से दोस्तों आपका जो है यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, यूजर आईडी ऑलरेडी मिल चुका है। सिंपली इसके बाद से दोस्तों आप कभी भी आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करोगे तो जो भी आपने पासवर्ड यहाँ पे रिसेट किया है उस पासवर्ड को डाल के आसानी के साथ लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करना हो या फिर से पासवर्ड चेंज करना हो या फिर से किसी भी टाइप का अगर इसमें सर्विसेज को आपको अप्लाई करना है तो आसानी के साथ आप अपने ऑनलाइन यहां से ही कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। आपको यहां पे ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको डेबिट कार्ड के लिए चेकबुक या फिर से आपको मोबाइल नंबर चेंज करना हो, ईमेल आईडी, तो आसानी के साथ आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए चेंज कर सकते हैं। इस पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।